तो इन दिनों बॉलीवुड अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन जैसी बड़ी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर पाई और इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया पर चलने वाले बॉयकॉट ट्रेंड। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो रहा है। जितने भी फिल्में आ रही है वो बॉयकॉट ट्रेंड का शिकार हो रही है। इस लिस्ट में शाहरुख खान की पठान, ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा सहित तमाम स्टार्स और उनकी मूवीज शामिल है। अब इस कड़ी में विजय कोंडा और उनकी फिल्म लाइगर का नाम भी जुड़ गया है। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट लाइगर ट्रेंड हो रहा है। इसकी वजह है विजय देवरकोंडा का हालिया बयान। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे जोर शोर से अपनी फिल्म लाइगर का प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में विजय और अनन्या से जब बॉयकॉट कल्चर को लेकर सवाल पूछा गया तो अनन्या इसको लेकर सीरियस नजर नहीं आई, लेकिन विजय ने जिस एटीट्यूड में रिएक्ट किया ये बात बॉयकॉट ट्रोल आर्मी को अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से अब उनका अगला टारगेट लाइगर फिल्म है। यही नहीं, लोग करण जौहर पर भी निशाना साध रहे। तो आपको बता दूं, विजय देवरकोंडा ने आमिर खान का सपोर्ट करते हुए कहा था कि बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड से फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक फिल्म से सिर्फ एक कलाकार की कमाई नहीं होती बल्कि उस फिल्म से छोटे मोटे कई कलाकार जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ उनके मेंबर्स होते हैं, तो एक फिल्म कई लोगों का घर चलाती है। विजय देवरकोंडा के इस बयान के बाद यूजर्स का गुस्सा भड़क गया है। ट्विटर पर खूब सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं और बॉयकॉट लाइगर, हैशटैग बॉयकॉट करण जौहर, हैशटैग बॉयकॉट विजय देवरकोंडा ट्रेंड हो रहा है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।